आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी आवाज हमारी। देहरादून पिथौरागढ़ के बीच शुरू हुई फ्लाइट, सीएम धामी ने किया शुभारंभ। देहरादून एयरपोर्ट से पिथौरागढ़ के लिए मंगलवार से फ्लाइट शुरू हो गई है। मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एयरपोर्ट टर्मिनल में दीप प्रज्वलित करके इसका शुभारंभ किया। इसके बाद 18 सीटर विमान ने देहरादून एयरपोर्ट से पिथौरागढ़ के लिए उड़ान भरी। जुलाई माह में इस फ्लाइट को शुरू किया जाना था, लेकिन DGCA ने अप्रूवल नहीं मिलने के कारण और कंपनी के कुछ निजी कारणों से इस फ्लाइट को शुरू नहीं किया जा सका। DGCA ने फ्लाइट के कई ट्रायल के बाद अब इसे मंजूरी दी। इससे गढ़वाल और कुमाऊं हवाई मार्ग से आपस में जुड़ गए हैं, जिससे पर्यटन तीर्थ स्थलों के अलावा व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। सीएम धामी ने कहा कि डबल इंजन सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप आज पिथौरागढ़ देहरादून हवाई सेवा का शुभारंभ हो चुका है। इसके माध्यम से सीमांत क्षेत्र का पर्यटन और अधिक विस्तारित होगा, जिससे स्थानीय लोगों की आजीविका में कई गुना वृद्धि होगी। वहीं इस हवाई सेवा के शुरू होने से स्थानीय लोगों को भी आवागमन में काफी सुविधा मिलेगी। देखिए, ये लंबे समय से यहाँ लोगों की जरूरत भी थी, मांग भी थी, और जिस प्रकार से यहाँ तीर्थयात्रियों का, यहाँ पर पर्यटकों का आना लगातार बढ़ रहा है, तो ये सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। आज जो प्रारंभ हो रही है, और माननीय प्रधानमंत्री जी जब पिथौरागढ़ आए थे, उनसे भी हमने अनुरोध किया था, तो आज ये सेवा हमारी यहाँ पर प्रारंभ हो गई है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि यहाँ की ज़रूरत को उन्होंने बहुत भली भांति महसूस किया और इस सेवा को चालू किया। साथ ही नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। इस सेवा के प्रारंभ होने से यहाँ लोगों को, आने वाले लोगों को, तीर्थयात्रियों को, श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को, यहाँ के स्थानीय लोगों को, सेना के लोगों को, पैरामिलिट्री फोर्स के लोगों को, सभी को आसानी होगी। 3 दिन के लिए पहले सेवा चल रही है सप्ताह में, आगे आने वाले समय में 5 दिन के लिए चलेगी। हमारा प्रयास होगा कि आने वाले समय में पिथौरागढ़ से हिंडन की जो 42 सीटर सेवा है वह भी प्रारंभ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।